आप देख रहे हैं फिलिपा पेडागोगिक्स यूट्यूब चैनल। हमारे टेस्ट सीरीज और टेप कोर्सेज को ज्वाइन करिए, अपनी सफलता और निश्चित करिए। जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.philippa.com पे जाएं। आधुनिक भारत 36 उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाहवे खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहादार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहादार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फरुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु को हुसैन अली खां की हत्या कर दी। ईरान फारस के सम्राट नादर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्धों में मराठों की हार हुई थी। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक 1 अवध सहादत खां, 2 हैदराबाद चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क आसफ जहां, 3 रोहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, 4 बंगाल मुर्शिद कुली खां, 5 कर्नाटक सादतुल्ला खां, 6 भरतपुर चूरामन एवं बदन सिंह। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी, जहादार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फरुख सियर 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वाइसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पृष्ठ 61। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलिस डहस्तमान। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था।
1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई प्रांत हुआ था, जिसे उन्होंने 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीघाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रूपये भुगतान कर प्राप्त की और यहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फेंको कैरों के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडेचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एल आर शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749-1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला दिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756-1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। पृष्ठ 62। 38 बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपनी सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों के कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल के नवाब। 1. मुर्शिद कुली खां 1713-1727 ईस्वी। 2. शुजाउद्दीन 1727-1739 ईस्वी। 3. सरफराज खां 1739-1740 ईस्वी। 4. अलीवर्दी खां 1740-1756 ईस्वी। 5. सिराजुद्दौला 1756-1757 ईस्वी। 6. मीर जाफर 1757-1760 ईस्वी। 7. मीर कासिम 1760-1763 ईस्वी। 8. मीर जाफर 1763-1765 ईस्वी। 9. निजामुद्दौला 1765-1766 ईस्वी। 10. शैफुद्दौला 1766-1770 ईस्वी। 11. मुबारकुद्दौला 1770-1775 ईस्वी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंधेर मुगदलपुर स्थानांतरित किया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। 39. अंग्रेजों के मैसूर से संबंध।
1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1767 से 1769 गवर्नर जनरल कोई नहीं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1780 से 84 गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1790 से 92 गवर्नर जनरल वॉकान वालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1799 गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। महत्वपूर्ण संधियां। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलूर की संधि 1784 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792 ईस्वी। नोट, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। 40 सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास हुआ। गुरु नानक ने गुरु की लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। पृष्ठ 63। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वो प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सन 1539 से 52 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास सन 1552 से 74 ईस्वी थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदलाल वार जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी बहानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास सन 1574 से 81 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी बहानी और 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन सन 1581 से 1605 ईस्वी सिखों के पांचवे गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के सातवें गुरु हर राय 1645 से 61 हुए। इन्होंने दारा शिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के आठवें गुरु हरिकिशन 1661 से 64 ईस्वी में हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी में हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के दसवें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी में हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता था।
इनके दो पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। पृष्ठ 64। बंदा बहादुर। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ का राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फरूख सेर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शाहदरा कल्लघड़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहां हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। 1. लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी। 2. भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 रूपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी के 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पौंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। 41. कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 67 ईस्वी। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। पृष्ठ 65। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1766 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 69 ईस्वी, कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी, वारन हेस्टिंग्स 1772 से 74 ईस्वी। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी को हुआ।
वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिला में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में दक्षिण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रूपये की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुए। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। नोट: पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरुद्ध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। फरवरी 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 ईस्वी। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805 ईस्वी। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से मुक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर चार भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें तीन बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। पृष्ठ 66। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन शोर 1793 से 98 ईस्वी। इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1801 ईस्वी, बरार एवं भोंसले दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। इसी के समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परन्तु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807 ईस्वी।
वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी, इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी, इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासल मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। पृष्ठ 67। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी, इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी में लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी, 1803 ईस्वी में ये मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। नोट: अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी, इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी, इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी। इसमें अंग्रेजी विजयी हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 ईस्वी। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। पृष्ठ 68। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता लगा करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे।
सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, भगाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में। सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नेक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 के तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा पर हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1856 ईस्वी में कैनिंग के समय में ही सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 ईस्वी इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। पृष्ठ 69 लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 29 ईस्वी 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से 69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इसने चैम्बवेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। एक अफगान ने सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 ईस्वी इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 ईस्वी ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्य आकाश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटल ने रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया।
मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। नोट: पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। नोट: भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई। पृष्ठ 70। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्वारक की संज्ञा दी। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 ईस्वी हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड लेंसडाउन 1888 से 94 ईस्वी। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा ड्यूरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एलगिन द्वितीय 1894 से 99 ईस्वी। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन लॉर्ड एलगिन द्वितीय का है। 1895 से 98 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ, कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य की था। 1905 में बंगाल का विभाजन। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी। इसके मध्य में आगा खां एवं सलीम उल्ला खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। पृष्ठ 71। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 15 ईस्वी। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ।
यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड होर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसी के समय 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड होर्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1921 ईस्वी में एमएन राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी 3 फरवरी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधीजी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। इसी के समय में लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज के दिनों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। पृष्ठ 72 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 ईस्वी इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रेमसे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और इन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता जिसे प्रायः पूना समझौता कहते हैं किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिथगो 1936 से 43 ईस्वी इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई।
1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवल 1944 से 47 ईस्वी। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। पृष्ठ 73। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। नोट: स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। बयालीस अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। 1 आंदोलन विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र बिहार और बंगाल, संबंधित नेता या नेतृत्व केना सरकार दिर्जिनी नारायण, समय 1760 से 1800 ईस्वी। 2 फकीर आंदोलन फकीर विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र बंगाल, संबंधित नेता या नेतृत्व मजनून शाह एवं चिराग अली, समय 1776 से 77 ईस्वी। 3 चुआरो विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र बांकुड़ा बंगाल, संबंधित नेता दुर्जन सिंह, समय 1798 ईस्वी। 4 आंदोलन पाली गरों का विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु, संबंधित नेता वीपी काटावामान, समय 1799 से 2001 ईस्वी। 5 वेला टंपी विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र ट्रावनकोर, संबंधित नेता मेलू थाम्पी, समय 1808 से 1809 ईस्वी। 6 भील विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट, संबंधित नेता सेवाराम, समय 1825 से 31 ईस्वी। 7 रामोसी विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट, संबंधित नेता चित्तर सिंह, समय 1822 से 29 ईस्वी। 8 पागलपंथी विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र असम, संबंधित नेता टीपू, समय 1825 से 27 ईस्वी। 9 अहोम विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र असम, संबंधित नेता गोमधर कुंवर, समय 1828 ईस्वी। 10 आंदोलन बहावी आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र बिहार उत्तर प्रदेश, संबंधित नेता सैयद अहमद तूती मीर, समय 1831 ईस्वी। 11 आंदोलन कोल आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर झारखंड, संबंधित नेता गोमधर कुंवर, समय 1831 से 32 ईस्वी। 12 आंदोलन खासी विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र असम, संबंधित नेता तीरथ सिंह, समय 1833 ईस्वी। 13 आंदोलन फराइजी आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र बंगाल, संबंधित नेता शरियातुल्ला टुट्टू मियां, समय 1838 से 48 ईस्वी। 14 आंदोलन नील विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार, संबंधित नेता तिरुथ सिंह, समय 1854 से 62 ईस्वी। 15 आंदोलन संथाल विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र बंगाल एवं बिहार, संबंधित नेता सिद्धू कान्हू, समय 1855 से 56 ईस्वी। 16 मुंडा विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र बिहार, संबंधित नेता बिरसा मुंडा, समय 1899 से 1900 ईस्वी। 17 पाइक विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा, संबंधित नेता बख्शी जगबंधु, समय 1800
1700 से 1825 ईस्वी। 18 आंदोलन नील आंदोलन प्रभावित क्षेत्र बंगाल संबंधित नेता दिगंबर समय 1859 से 1860 ईस्वी। 19 आंदोलन पावना विद्रोह प्रभावित क्षेत्र पावना बंगाल संबंधित नेता ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल समय 1873 से 1876 ईस्वी। 20 दक्कन विद्रोह प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र संबंधित नेता नील समय 1874 से 1875 ईस्वी। 21 आंदोलन मोपला विद्रोह प्रभावित क्षेत्र मालाबार केरल संबंधित नेता नेतृत्व अली मुसालियार समय 1920 से 1922 ईस्वी। 22 आंदोलन कूका आंदोलन प्रभावित क्षेत्र पंजाब संबंधित नेता भगत जवाहरमल समय कुछ नहीं। 23 आंदोलन रंपाओ का विद्रोह प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश संबंधित नेता सीताराम राजू समय 1879 से 1922 ईस्वी। 24 आंदोलन ताना भगत आंदोलन प्रभावित क्षेत्र बिहार संबंधित नेता जतरा भगत समय 1914 ईस्वी। 25 तेभांगा आंदोलन प्रभावित क्षेत्र बंगाल संबंधित नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह समय 1946 ईस्वी। 26 आंदोलन तेलंगाना आंदोलन प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश संबंधित नेता कुछ नहीं समय 1946 ईस्वी। नोट भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कढ़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। पृष्ठ 74 43 1857 ईस्वी की महान क्रांति 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली भारतीय नायक बहादुर शाह जफर बख्त खां सैन्य नेतृत्व विद्रोह की तिथि 11-12 मई 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक विद्रोह दबाने वाला निकलसन एवं हडसन तिथि विद्रोह दबाने का 21 सितंबर 1857 ईस्वी। कानपुर भारतीय नायक नाना साहब तात्या विद्रोह की तिथि 5 जून 1857 ईस्वी। टोपे सैन्य नेतृत्व ब्रिटिश नायक कैंपबल तिथि 6 सितंबर 1857 ईस्वी। केंद्र लखनऊ भारतीय नायक बेगम हजरत महल विद्रोह की तिथि 4 जून 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक कैंपबेल तिथि मार्च 1858। झांसी भारतीय नायक रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह की तिथि जून 1857। ब्रिटिश नायक ह्यूरोज तिथि 3 अप्रैल 1858 ईस्वी। इलाहाबाद भारतीय नायक लियाकत अली विद्रोह की तिथि 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक कर्नल नील तिथि 1858 ईस्वी। जगदीशपुर भारतीय नायक कुंवर सिंह विद्रोह की तिथि अगस्त 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर तिथि 1858 ईस्वी। बरेली भारतीय नायक खान बहादुर खां विद्रोह की तिथि 1857। ब्रिटिश नायक कुछ नहीं तिथि 1858 ईस्वी। फैजाबाद भारतीय नायक मौलवी अहमद उल्ला विद्रोह की तिथि 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक कुछ नहीं तिथि 1858 ईस्वी। फतेहपुर भारतीय नायक अजीमुल्ला विद्रोह की तिथि 1857। ब्रिटिश नायक विद्रोह दबाने वाला जनरल रेनर्ड तिथि 1858 ईस्वी। नोट तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 ईस्वी के क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापूजी गुप्ते हैदराबाद के सोनाजी पंडित रंगाराव पांगे मौलवी सैयद अलाउद्दीन कर्नाटक के भीमराव मुडरगी छोटा सिंह कोल्हापुर के अणाजी फडणवीस तात्या मोतित मद्रास के गुलाम गौस सुल्तान बख्श चिगलपुट के अरणागिरी कृष्णा कोयम्बटूर के मुल बागल स्वामी केरल के विजय कुदारत कुंजी मामा मुल्ला सली कोंजी समरकार कोवा में दीपूजी राणा गोलकुंडा क्षेत्र में चिंता भूपति और उसका भतीजा सन्यासी भूपति गंजम में राधाकृष्ण दंडसेन तथा असम में दीवान मनीराम दत्त थे।
44 भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिंगम चंद्र चैटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1857 ईस्वी के बाद दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1857 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरिन ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूख राजनीति के हैं। नौरोजी दत्त एवं वाचार के धन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। पृष्ठ 75। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेंड एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी। 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष 1872 से 1950 की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 भारत आई। वो वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूं। 1893 में महात्मा गांधी 1869 से 1948 अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑस्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। ये था 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्रनाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों में बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी एन वापट ने बम बनाने की कला सीखने के लिए वो पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन शिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया।
प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किग्स फोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे दो महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। पृष्ठ 76। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्णा वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिनांक 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। 1. बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 2. बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। 3. बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। 4. राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कोमागा ता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी ने किराया पर लिया था। ये जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को राजबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आगे को आने को प्रेरित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। पृष्ठ 77। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए।
जालियावाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जालियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जालियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, जमन्ना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जालियावाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय, सर चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कांग्रेस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पॉल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए। शचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। पृष्ठ 78। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं शचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। रामप्रसाद बिस्मिल ये कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया।
इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर नोट द गजेटियर ऑफ इंडिया पेज 576 नोट समाप्त दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। 8 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु ये सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। नोट: प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। पृष्ठ 79। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 ईस्वी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष अल बक्स में खुली कुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। वर्धा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सवेरे ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को भी नजरबंद कर दिया गया था। 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना तथा विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वो असफल रहा। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय राजबिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आजाद हिंद फौज झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप रखा।
टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। नोट: सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। पृष्ठ 80। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी ईके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के एन काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी ये शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5,200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया। 5,000 सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थानों प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस की 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्यीय अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखावरी करने के कारण फणीन्द्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 में और 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश की वालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। पृष्ठ 81। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीदे आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फ्रांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है।
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरिजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरदेशमुखी को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को कहा जाता है। ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए ओ ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। गांधीजी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, ये एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राजबिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। पृष्ठ 82। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। एक, संस्थाएं एशियाटिक सोसाइटी। स्थापना वर्ष 1784। संस्थापक विलियम जोन्स। दो, आत्मीय सभा। स्थापना वर्ष 1815। संस्थापक राजा राम मोहन राय। तीन, वेदांत कॉलेज। स्थापना वर्ष 1825। संस्थापक राजा राम मोहन राय। चार, युवा बंगाल आंदोलन। स्थापना वर्ष 1826। संस्थापक हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। पांच, ब्रह्म समाज। स्थापना वर्ष 1828। संस्थापक राजा राम मोहन राय। छह, तत्व बोधिनी सभा। स्थापना वर्ष 1839। संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर। सात, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। स्थापना वर्ष 1843। संस्थापक दादा भाई नौरोजी। आठ, परमहंस मंडली। स्थापना वर्ष 1840। संस्थापक गोपाल हरिदेशमुख। नौ, रहनुमाई माज दयान सभा। स्थापना वर्ष 1851। संस्थापक दादा भाई नौरोजी। दस, बालिका विद्यालय। स्थापना वर्ष 1851। संस्थापक ज्योतिबा फुले। 11, मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। स्थापना वर्ष 1863। संस्थापक अब्दुल लतीफ। 12, साइंटिफिक सोसाइटी। स्थापना वर्ष 1864। संस्थापक सर सैयद अहमद खां। 13, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। स्थापना वर्ष 1866। संस्थापक दादा भाई नौरोजी। 14, पूना सार्वजनिक सभा। स्थापना वर्ष 1867। संस्थापक एमजी रानाडे। 15, प्रार्थना समाज। स्थापना वर्ष 1867। संस्थापक केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि। 16, संस्थाएं वेद समाज। स्थापना वर्ष 1867। संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन। 17, सत्य शोधक समाज। स्थापना वर्ष 1873। संस्थापक ज्योतिबा फुले। 18, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। स्थापना वर्ष 1875। संस्थापक सर सैयद अहमद खां। 19, इंडियन लीग। स्थापना वर्ष 1875। संस्थापक शिशिर कुमार घोष। 20, आर्य समाज। स्थापना वर्ष 1875। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। 21, इंडियन एसोसिएशन। स्थापना वर्ष 1876। संस्थापक आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 23, यूनाइटेड इंडियन कमेटी। स्थापना वर्ष 1883। संस्थापक मैडम ब्लांटवस्की एवं कर्नल आलकाट। 23, यूनाइटेड इंडियन कमेटी। स्थापना वर्ष 1883। संस्थापक व्योमेश चंद्र बैनर्जी। 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
स्थापना वर्ष 1885, संस्थापक ए ओ ह्यूम। 25 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1885, संस्थापक फिरोज शाह मेहता और तेलंग तथा तैयब जी। 26 वेलूर मठ, स्थापना वर्ष 1887, संस्थापक स्वामी विवेकानंद। 27 इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, स्थापना वर्ष 1887, संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे। 28 शारदा सहन सदन, स्थापना वर्ष 1889, संस्थापक रमाबाई। 29 रामकृष्ण मिशन, स्थापना वर्ष 1897, संस्थापक स्वामी विवेकानंद। 30 अभिनव भारत संस्था, स्थापना वर्ष 1904 में संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर। 31 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, स्थापना वर्ष 1905, संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। 32 मुस्लिम लीग, स्थापना वर्ष 1906, संस्थापक आगा खां एवं सलीम उल्ला। 33 अनुशलिनी समिति, स्थापना वर्ष 1907, संस्थापक डॉ. वारिंद्र घोष भूपेंद्र दत्त। 34 सोशल सर्विस लीग, स्थापना वर्ष 1911, संस्थापक श्री नारायण मल्लार जोशी। 35 विश्व भारती, स्थापना वर्ष 1912, संस्थापक रविन्द्रनाथ ठाकुर। 36 गदर पार्टी, स्थापना वर्ष 1913, संस्थापक लाला हरदयाल और काशीराम। 37 हिंदू महासभा, स्थापना वर्ष 1915, संस्थापक मदन मोहन मालवीय। 38 होम रूल लीग, स्थापना वर्ष 1916, संस्थापक तिलक एवं एनी बेसेंट। 39 वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1917, संस्थापक लेडी सदाशिव अय्यर। 41 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, स्थापना वर्ष 1920, संस्थापक एम एन जोशी। 42 स्वराज पार्टी, स्थापना वर्ष 1923, संस्थापक मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। 43 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1924, संस्थापक शचिंद्र सन्याल। 44 बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्थापना वर्ष 1924, संस्थापक बी आर अम्बेडकर। 45 नौजवान सभा, स्थापना वर्ष 1926, संस्थापक भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल। 47 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1928, संस्थापक भगत सिंह। 48 खुदाई खिदमतगार, स्थापना वर्ष 1930, संस्थापक अब्दुल गफ्फार खां। 49 संस्थाएं हरिजन सेवक संघ पुणे, स्थापना वर्ष 1932, संस्थापक महात्मा गांधी। 50 संस्थाएं स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्थापना वर्ष 1936, संस्थापक बी आर अम्बेडकर। 51 संस्थाएं फॉरवर्ड ब्लॉक, स्थापना वर्ष 1939, संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। 52 आजाद हिंद फौज, स्थापना वर्ष 1942, संस्थापक राज बिहारी बोस। 53 आजाद हिंद सरकार, स्थापना वर्ष 1943, संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। 46 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। आंदोलन एवं घटनाएं। 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885, संबंध विषय एवं व्यक्ति ए ओ ह्यूम, बंबई। 2 बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905, संबंधित विषय बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। 3 मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906, संबंधित विषय एवं व्यक्ति आगा खां एवं सलीम उल्ला खां, ढाका। 4 कांग्रेस का विभाजन वर्ष 1907, संबंधित विषय एवं व्यक्ति नरम एवं गरम दल में विभाजित, सूरत फूट। 5 होम रूल आंदोलन वर्ष 1916, संबंधित विषय तिलक एवं एनी बेसेंट। 6 लखनऊ पैक्ट वर्ष दिसंबर 1916, संबंधित विषय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। 7 मॉन्टेग्यू घोषणा वर्ष 20 अगस्त 1917, संबंधित विषय भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। 8 रॉलेट एक्ट वर्ष 19 मार्च 1919, संबंधित विषय काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार गिरफ्तार किया जा सकता था। 9 जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 13 अप्रैल 1919, संबंधित विषय जनरल डायर, अमृतसर। 10 खिलाफत आंदोलन वर्ष 1920, संबंधित विषय शौकत अली और मोहम्मद अली। 11 हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित वर्ष 28 मई 1920, संबंधित विषय जलियांवाला बाग से संबंधित।
12 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन वर्ष दिसंबर 1920 संबंधित विषय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। पृष्ठ 84 इरा आंदोलन एवं घटनाएं असहयोग आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1 अगस्त 1920 संबंधित विषय एवं व्यक्ति महात्मा गांधी। 14 टौरी चौरा कांड वर्ष 5 फरवरी 1922 संबंधित विषय गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित। 15 स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1 जनवरी 1923 संबंधित विषय एवं व्यक्ति मोतीलाल नेहरू एवं चित्रंजन दास। 16 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वर्ष अक्टूबर 1924 संबंधित विषय सचिंद्र सन्याल। 17 साइमन कमीशन की नियुक्ति वर्ष 8 नवंबर 1927 संबंधित विषय जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य आयोग का गठन। 18 साइमन कमीशन का भारत आगमन वर्ष 3 फरवरी 1928 संबंधित विषय भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार। 19 नेहरू रिपोर्ट वर्ष अगस्त 1928 संबंधित विषय पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। 20 बारदौली सत्याग्रह वर्ष अक्टूबर 1928 संबंधित विषय गुजरात के किसानों की लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन। 21 लाहौर षड्यंत्र केस वर्ष 8 अप्रैल 1929 संबंधित विषय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। 22 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वर्ष दिसंबर 1929 संबंधित विषय पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। 23 स्वाधीनता दिवस की घोषणा वर्ष 2 जनवरी 1930 संबंधित विषय 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। 24 नमक सत्याग्रह वर्ष 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 संबंधित विषय महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। 25 सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 6 अप्रैल 1930 संबंधित विषय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। 26 प्रथम गोलमेज सम्मेलन अगस्त वर्ष 12 नवंबर 1930 संबंधित विषय प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित। 27 गांधी इरविन समझौता वर्ष 8 मार्च 1931 संबंधित विषय महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। 28 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 7 सितंबर 1931 संबंधित विषय गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। 29 कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांट वर्ष 16 अगस्त 1932 संबंधित विषय मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। 30 पूना एक्ट वर्ष सितंबर 1932 संबंधित विषय गांधी जी और डॉ अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचांट में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे जो अब बढ़ाकर 148 कर दिए गए। 31 तृतीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 17 नवंबर 1932 संबंधित विषय इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 32 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष मई 1934 संबंधित विषय जयप्रकाश नारायण मीनू मसानी और एस एम जोशी। पृष्ठ 85 33 फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन वर्ष 1 मई 1939 संबंधित विषय एवं व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस। 34 मुक्ति दिवस वर्ष 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। 35 पाकिस्तान की मांग वर्ष 24 मार्च 1940 संबंधित विषय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। 36 अगस्त प्रस्ताव वर्ष 8 अगस्त 1940 संबंधित विषय एवं व्यक्ति वायसराय लिंडलिथगो। 37 क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव वर्ष मार्च 1942 संबंधित विषय स्टीफर्ड क्रिप्स। 48 भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्ष 8 अगस्त 1942 संबंधित विषय महात्मा गांधी। 39 शिमला सम्मेलन वर्ष 25 जून 1945 संबंधित विषय सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। 40 नौसेना का विद्रोह वर्ष 19 फरवरी 1946 मुंबई। 41 प्रधानमंत्री एटली की घोषणा वर्ष 15 मार्च 1946 संबंधित विषय भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। 42 कैबिनेट मिशन का आगमन वर्ष 24 मार्च 1946
संबंधित विषय ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। 43 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस वर्ष 16 अगस्त 1946 संबंधित विषय मुस्लिम लीग द्वारा। 44 अंतरिम सरकार की स्थापना वर्ष 2 सितंबर 1946 संबंधित विषय नेहरू प्रधानमंत्री बने। 45 माउंटबेटन योजना वर्ष 3 जून 1947 संबंधित विषय वाइसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। 46 स्वतंत्रता की प्राप्ति वर्ष 15 अगस्त 1947 संबंधित विषय भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। 47 भारतीय गणतंत्र की स्थापना वर्ष 26 जनवरी 1950 संबंधित विषय एवं व्यक्ति डॉ. राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। 47 भारत के महान शहीद नाम खुदीराम बोस। संबंधित घटनाएं 1908 में सेशन जज क्रिंग्सफोर्ड को गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। सजा 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। अशफाक उल्ला खां। संबंधित घटनाएं 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया। सजा 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ऊधम सिंह। संबंधित घटनाएं 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए। सजा 31 जुलाई 1940 ईस्वी को फांसी दे दी गई। भगत सिंह। संबंधित घटनाएं सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी। सजा सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव। संबंधित घटनाएं सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए। सजा 27 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त। संबंधित घटनाएं भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए। सजा इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। पृष्ठ 86 चंद्रशेखर आजाद। संबंधित घटनाएं काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रूपये पुरस्कार की घोषणा की। सजा 27 फरवरी 1931 ईस्वी को एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए। मास्टर अमीचंद। संबंधित घटनाएं दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। सजा 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी। संबंधित घटनाएं दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया। सजा 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। मदन लाल धींगरा। संबंधित घटनाएं 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वायरी की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए। सजा 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। दामोदर चापेकर। संबंधित घटनाएं 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रेंड और लेफ्टिनेंट एयरस्टर की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। नोट रेंड एवं एयरस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। सजा 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। राजगुरु। संबंधित घटनाएं 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए। सजा 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। वासुदेव बलवंत फड़के। संबंधित घटनाएं एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए। सजा कालापानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सराबा। संबंधित घटनाएं गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। सजा 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए।
राजेंद्र लाहिड़ी, संबंधित घटनाएं। दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकुरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। सजा 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। अनंत कानहरे, संबंधित घटनाएं। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। सजा 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। सजा 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। विष्णु गणेश पिंगल, संबंधित घटनाएं। 23 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। सजा 17 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। पृष्ठ 87, ब्रिज किशोर चक्रवर्ती, संबंधित घटनाएं। मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी पर को इन्हें गिरफ्तार कर लिए गए। सजा 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। कुशाल कोवर, संबंधित घटनाएं। 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए। सजा 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। असित भट्टाचार्य, संबंधित घटनाएं। 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। सजा 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ शिंदे, संबंधित घटनाएं। शोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। सजा 12 जनवरी 1931 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई। हर किशन, संबंधित घटनाएं। 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। सजा 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्य सेन, संबंधित घटनाएं। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। सजा 11 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लाला लाजपत राय, संबंधित घटनाएं। 17 नवंबर 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन के अविरोध करने पर पुलिस के द्वारा पार्श्विक लाठी प्रहारों के शिकार हुए। सजा लाठी प्रहार के एक महीने के बाद उनका देहांत हो गया। 48 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। 1 इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। 2 दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। 3 करो या मरो महात्मा गांधी। 4 जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। 5 पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू। 6 हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। 7 वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। 8 आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। 9 हे राम महात्मा गांधी। 10 भारत छोड़ो महात्मा गांधी। 11 जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। 12 मारो फिरंगी को मंगल पांडे। 13 जय जगत विनोबा भावे। 14 कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15 संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण। 16 विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता परिषद। 17 वंदे मातरम बंकिम चंद्र चैटर्जी। 18 जनगणमन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ ठाकुर। 19 साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। पृष्ठ 88। 20 स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। 21 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। 22 सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। 23 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। 24 साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। 25 हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। 26 मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय। 27 मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आजाद। 49
स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, लेखक या संपादक मदन मोहन मालवीय, इंडियन मिरर वाम बोधिनी केशव चंद्र सेन, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, काल परांजपे, कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली, केसरी मराठी, द मराठा अंग्रेजी, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, कर्मयोगी योगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, अरविंद घोष, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष, यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंदू स्वराज्य माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, अमृत सोम प्रकाश, ईश्वर चंद विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला शिशिर कुमार घोष, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी वेसेंट, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, द रिवॉल्यूशनरी शचिंद्रनाथ सान्याल, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रस्ट गुफ्तूर दादा भाई नौरोजी, इंडिया डिवाइडेड डॉ राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन शिरोल, इंडिया फॉर इंडियंस चित्रंजन दास, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर, होम एंड दी वर्ल्ड गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, बांगे दरा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, भारत दूरदर्शा भारतेंदु हरिश्चंद, कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सितारमैया। पृष्ठ 89 पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, आनंद मठ देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नोट, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किए। 50 उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। उपाधि गुरुदेव, प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर, दाता महात्मा गांधी। महात्मा प्राप्तकर्ता महात्मा गांधी, दाता रविन्द्रनाथ टैगोर। नेताजी प्राप्तकर्ता सुभाष चंद्र बोस, दाता एडोल्फ हिटलर। सरदार प्राप्तकर्ता वल्लभ भाई पटेल, दाता बारदोली की महिलाएं। देश रत्न प्राप्तकर्ता डॉ राजेंद्र प्रसाद, दाता महात्मा गांधी। कायदे आजम प्राप्तकर्ता मोहम्मद अली जिन्ना, दाता महात्मा गांधी। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, दाता रविन्द्रनाथ टैगोर। विवेकानंद प्राप्तकर्ता स्वामी विवेकानंद, दाता महाराजा खेतड़ी। राष्ट्रपिता प्राप्तकर्ता महात्मा गांधी, दाता सुभाष चंद्र बोस। राजा प्राप्तकर्ता राजा राम मोहन राय, दाता अकबर द्वितीय। 51 कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां। पृष्ठ 89 पर कांग्रेस अधिवेशन 1885 से 1947 का एक नक्शा दर्शाया गया है। इस नक्शे में वो सारे शहर हैं जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है और ये किस किस सन में हुए हैं ये भी इस नक्शे में दर्शाया गया है। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित हम आगे पढ़ेंगे। पृष्ठ 90 पहला अधिवेशन वर्ष 1885, स्थान बंबई, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी, विशेष 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन वर्ष 1887, स्थान मद्रास, अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, विशेष प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा अधिवेशन वर्ष 1888, स्थान इलाहाबाद, अध्यक्ष जॉर्ज यूल, विशेष प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। पांचवा अधिवेशन वर्ष 1889, स्थान बंबई, अध्यक्ष सर विलियम बेडरबर्न। छठा अधिवेशन वर्ष 1890,
स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता। सातवां अधिवेशन वर्ष 1891, स्थान नागपुर, अध्यक्ष पी आनंद चाल्र। आठवां अधिवेशन वर्ष 1892, स्थान इलाहाबाद, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी। नौवां अधिवेशन वर्ष 1893, स्थान लाहौर, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दसवां अधिवेशन वर्ष 1894, स्थान मद्रास, अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब। विशेष कांग्रेस संविधान का निर्माण। ग्यारहवां अधिवेशन वर्ष 1895, स्थान पूना, अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बारहवां अधिवेशन वर्ष 1896, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी। विशेष पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तेरहवां अधिवेशन वर्ष 1897, स्थान अमरावती, अध्यक्ष सी शंकरन नायर। चौदहवां अधिवेशन वर्ष 1898, स्थान मद्रास, अध्यक्ष आनंद मोहन दास। पंद्रहवां अधिवेशन 1899, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त। सोलहवां अधिवेशन वर्ष 1900, स्थान लाहौर, अध्यक्ष एनजी चंद्रावरकर। सत्रहवां अधिवेशन वर्ष 1901, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दिनिशा इदुलजी वाचा। अठारहवां अधिवेशन वर्ष 1902, स्थान अहमदाबाद, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी अध्यक्ष। उन्नीसवां अधिवेशन वर्ष 1904, स्थान बम्बई, अध्यक्ष सर हेनरी काटन। इक्कीसवां अधिवेशन वर्ष 1905, स्थान बनारस, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। बाईसवां अधिवेशन वर्ष 1906, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। विशेष पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। तेईसवां अधिवेशन वर्ष 1907, स्थान सूरत, अध्यक्ष डॉ राज बिहारी घोष। विशेष कांग्रेस का प्रथम विभाजन। चौबीसवां अधिवेशन वर्ष 1908, स्थान मद्रास, अध्यक्ष डॉ राज बिहारी घोष। पच्चीसवां अधिवेशन वर्ष 1909, स्थान लाहौर, अध्यक्ष डॉ मदन मोहन मालवीय। छब्बीसवां अधिवेशन वर्ष 1910, स्थान इलाहाबाद, अध्यक्ष विलियम वेटरबर्न। सत्ताईसवां अधिवेशन वर्ष 1911, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष डॉ बिशन नारायण घर। पहली बार जनगण मन गाया गया। विशेष अट्ठाईसवां अधिवेशन वर्ष 1912, स्थान बांकीपुर, अध्यक्ष आर एन माधोलकर। उन्तीसवां अधिवेशन वर्ष 1913, स्थान कराची, अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। तीसवां अधिवेशन वर्ष 1914, स्थान मद्रास, अध्यक्ष भूपेंद्रनाथ बसु। इकतीसवां अधिवेशन वर्ष 1915, स्थान बम्बई, अध्यक्ष सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। विशेष लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। बत्तीसवां अधिवेशन वर्ष 1916, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। विशेष मुस्लिम लीग से समझौता। तैतीसवां अधिवेशन वर्ष 1917, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष डॉ श्रीमती एनी बेसेंट। विशेष प्रथम महिला अध्यक्ष। अधिवेशन विशेष अधिवेशन वर्ष 1918, स्थान बम्बई, अध्यक्ष हसन इमाम। विशेष कांग्रेस का दूसरा विभाजन। चौतीसवां अधिवेशन वर्ग 1918, स्थान दिल्ली, अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय। पैंतीसवां अधिवेशन वर्ष 1919, स्थान अमृतसर, अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू। छत्तीसवां अधिवेशन वर्ष 1920, स्थान नागपुर, अध्यक्ष सीवी राज राधा वाचार्य। विशेष कांग्रेस संविधान में परिवर्तन। विशेष अधिवेशन वर्ष 1920, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष लाला लाजपत राय। सैंतीसवां अधिवेशन वर्ष 1921, स्थान अहमदाबाद, अध्यक्ष हकीम अजमल खां। अड़तालीसवां अधिवेशन वर्ष 1922, स्थान गया, अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास। उनतालीसवां वर्ष 1923, स्थान काकीनाड़ा, अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली। विशेष अधिवेशन वर्ष 1923, स्थान दिल्ली, अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद। विशेष सबसे युवा अध्यक्ष।
40वां अधिवेशन वर्ष 1924, स्थान बेलगांव, अध्यक्ष महात्मा गांधी। 41वां अधिवेशन वर्ष 1925, स्थान कानपुर, अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू, विशेष प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 42वां अधिवेशन वर्ष 1926, स्थान गुवाहाटी, अध्यक्ष श्री एस श्रीनिवास आयगार, विशेष सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य। पृष्ठ 91। 43वां अधिवेशन वर्ष 1927, स्थान मद्रास, अध्यक्ष डॉ एम ए अंसारी, विशेष पूर्ण स्वाधीनता की मांग। 44वां अधिवेशन वर्ष 1928, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू। 45वां अधिवेशन वर्ष 1929, स्थान लाहौर, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, विशेष पूर्ण स्वराज्य की मांग। 46वां अधिवेशन वर्ष 1931, स्थान कराची, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, विशेष मौलिक अधिकार की मांग। 47वां अधिवेशन वर्ष 1932, स्थान दिल्ली, अध्यक्ष अमृत रणछोड़ दास सेठ। 48वां अधिवेशन वर्ष 1933, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष श्रीमती नीली सेन गुप्ता। 49वां अधिवेशन वर्ष 1934, स्थान बम्बई, अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद। 50वां अधिवेशन वर्ष 1936, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। 91वां अधिवेशन वर्ष 1937, स्थान फैजपुर, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, विशेष गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। 52वां अधिवेशन वर्ष 1938, स्थान हरिपुरा, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। 53वां अधिवेशन वर्ष 1939, स्थान त्रिपुरी, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। 54वां अधिवेशन वर्ष 1940, स्थान रामगढ़, अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। 55वां अधिवेशन वर्ष 1946, स्थान मेरठ, अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी, विशेष आजादी के समय अध्यक्ष। 56वां अधिवेशन वर्ष 1948, स्थान जयपुर, अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया। 57वां अधिवेशन वर्ष 1950, स्थान नासिक, अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। नोट: डॉ राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 52 भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां। प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 ईस्वी, परिणाम मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदवार का युद्ध वर्ष 1194 ईस्वी, परिणाम मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष 1526 ईस्वी, परिणाम बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। खानवा का युद्ध वर्ष 1527 ईस्वी, परिणाम बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध वर्ष 1528 ईस्वी, परिणाम बाबर ने मेदी नारायण को हराया। घाघरा का युद्ध वर्ष 1529 ईस्वी, परिणाम बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध वर्ष 1539 ईस्वी, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध वर्ष 1539 ईस्वी, परिणाम शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई वर्ष 1556 ईस्वी, परिणाम अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोट का युद्ध वर्ष 1565 ईस्वी, परिणाम विजयनगर साम्राज्य का पतन। हल्दीघाटी का युद्ध वर्ष 1576 ईस्वी, परिणाम अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। पलासी का युद्ध वर्ष 1757 ईस्वी, परिणाम अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वाड़ीवास का युद्ध वर्ष 1760 ईस्वी, परिणाम फ्रांसीसियों की पराजय। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 ईस्वी, परिणाम अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 ईस्वी, परिणाम अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी। खुर्दा का युद्ध वर्ष 1795 ईस्वी, परिणाम निजाम की पराजय। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 1857 ईस्वी। भारत चीन युद्ध वर्ष 1962 ईस्वी। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी। नोट: प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी में हुआ। पृष्ठ 92। 53 प्रमुख राजवंश,
संस्थापक तथा राजधानी। राजवंश हरियक वंश, संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह। शिशुनाग वंश, संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली। नंदवंश महापद्मानंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। कण्व वंश, संस्थापक वसुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन, संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। हूण वंश, संस्थापक तोरमान, राजधानी सियालकोट। सेन वंश, संस्थापक सामंत सेन, राजधानी लखनौती। परमार वंश, संस्थापक उपेंद्र, राजधानी धारा नगरी। गहड़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार, संस्थापक नागभट प्रथम, राजधानी कन्नौज। राष्ट्रकूट, संस्थापक दंतीदुर्ग, राजधानी मान्यखेट। शैयद वंश, संस्थापक खिज्र खां, राजधानी दिल्ली। लोदी वंश, संस्थापक बहलोल लोदी, राजधानी दिल्ली। चोल वंश, संस्थापक विजय आल्य, राजधानी तंजौर। पांड्य वंश, संस्थापक नेडियोन, राजधानी मदुरई। यादव वंश, संस्थापक भिल्लब पंचम, राजधानी देवगिरी। होयसल वंश, संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्र। कलचुरी वंश, संस्थापक कोकल, राजधानी त्रिपुरी। सालूव वंश, संस्थापक नरसिंह, राजधानी विजयनगर। तुलुव वंश, संस्थापक वीर नरसिंह, राजधानी विजयनगर। सोलंकी वंश, संस्थापक मूलराज, राजधानी अनहिलवाड़। शर्की वंश, संस्थापक मलिक सरवर, राजधानी जौनपुर। भोसले वंश, संस्थापक शिवाजी, राजधानी रायगढ़। पाल वंश, संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर। चौहान वंश, संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। लोहार वंश, संस्थापक संग्राम राज, राजधानी कोई नहीं। कुशान वंश, संस्थापक कुजल कडफिसेस, राजधानी पुरुषपुर। वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर या कन्नौज। चंदेल वंश, संस्थापक नन्नुक, राजधानी खजुराहो या महोबा। पल्लव वंश, संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ, राजधानी कांचीपुरम। शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। चालुक्य बादामी, संस्थापक जयसिंह प्रथम, राजधानी वातापी। चालुक्य बेंगी, संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी बेंगी। चालुक्य कल्याणी, संस्थापक तैलप द्वितीय, राजधानी मान्यखेट या कल्याण। गुलाम वंश, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश, संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। कुतुबशाही वंश, संस्थापक कुली कुतुबशाह, राजधानी गोलकुंडा। आदिलशाही वंश, संस्थापक आदिल शाह, राजधानी बीजापुर। निजाम शाही, संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर। इमाद शाही, संस्थापक फतेहउल्ला इमाद शाह, राजधानी बरार। कुतुबशाही वंश, संस्थापक कुली कुतुबशाह, राजधानी गोलकुंडा। आदिलशाही वंश, संस्थापक आदिल शाह, राजधानी बीजापुर। निजाम शाही, संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर। इमाद शाही, संस्थापक फतेहउल्ला इमाद शाह, राजधानी बरार। संगम वंश, संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, राजधानी विजयनगर। बहमनी वंश, संस्थापक हसन गंगू, राजधानी गुलबर्गा बीदर। आरवीडू वंश, संस्थापक तिरुमल, राजधानी पेनुकोंडा। बरीद शाही, संस्थापक अमीर अली बरीद, राजधानी बीदर। मुगल वंश, संस्थापक बाबर, राजधानी दिल्ली या आगरा। कारकोट वंश, संस्थापक दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश, संस्थापक अवंती वर्मन। राजवंश हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, संस्थापक निजामुल मुल्क, राजधानी हैदराबाद। 54 सामाजिक सुधार अधिनियम। अधिनियम शिशुवध प्रतिबंध। गवर्नर जनरल वेलेजली, वर्ष 1798 से 1805। विषय शिशु हत्या पर प्रतिबंध। सती प्रथा प्रतिबंध, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वर्ष 1829। विषय सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। दास प्रथा पर प्रतिबंध,
गवर्नर जनरल एलेनबरो वर्ष 1843 विषय 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दास्ता को प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग वर्ष 1856 विषय विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट गवर्नर जनरल नॉर्थ बुक वर्ष 1872 विषय अंतरजातीय विवाह। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन गवर्नर जनरल लैंसडाउन वर्ष 1891 विषय लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। शारदा एक्ट गवर्नर जनरल इरविन वर्ष 1930 विषय विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित। पृष्ठ 93। आप देख रहे हैं फिलिपा पेडागोगिक्स यूट्यूब चैनल। हमारे टेस्ट सीरीज और प्रेप कोर्सेज को ज्वाइन करिए, अपनी सफलता और निश्चित करिए। जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.philippa.com पे जाएं। You are watching Philippa Pedagogics YouTube channel. Try our test series and prep courses and boost your examination preparation. For details, kindly visit our website www.philippa.com.